हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज इकोसिस्टम इट्स टाइप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मीन्स इकोसिस्टम क्या है इसके टाइप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं तो so, पहला क्वेश्चन है वॉट इज इको सिस्टम क्या है तो इको बेसिकली इकोलॉजी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और आसपास के एनवायरनमेंट से ओके okay. तो इकोलॉजी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में और आसपास के वातावरण से तो उसको क्या कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं ओके okay, या दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इको सिस्टम इज ए चैन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर पारिस्थितिकी तंत्र जीवो और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला है ठीक है जीव और पर्यावरण मतलब जो जीव हैं और उनका जो एनवायरमेंट है तो उनके बीच के इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं ओके नेक्स्ट है टाइप टाइप ऑफ इकोसिस्टम तो इको सिस्टम बेसिकली या तो बहुत स्मॉल हो सकता है जैसे कि एक ओएसएस के जैसा ओएसएस मतलब होता है कि मरुस्थल के बीच हरित भूमि ओके तो एक ओएसएस जितना छोटा हो सकता है या एक समुद्र जितना बड़ा हो सकता है जो कि थाउजेंड माइल्स तक फैला हुआ होता है तो इकोसिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं पहला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसे हम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं तो पहला आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बेसिकली आपका लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है जो भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है ओके okay? और इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं जो कि अलग अलग जियोलॉजिकल जोन्स में अलग अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में अलग अलग आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पाए जाते हैं है ना जैसे जैसे मतलब जगह चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे कि पहला फॉरेस्ट इकोसस्टम जो केवल फॉरेस्ट में होता है ग्रास सिर्फ ग्रास में होता है टंडरा अलग जगह होता है डेजर्ट अलग जगह होता है तो सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट इकोसस्टम तो फॉरेस्ट इको बेसिकली आपका क्या होता है जहाँ पे आपके प्लांट हो एनिमल हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ठीक है और ये सब मिलके आपके एबायोटिक बायोटिक फैक्टर के साथ एबायोटिक बायोटिक फैक्टर के साथ आपका क्या करे इंटरेक्ट करे ठीक है तो वो आपका इकोसिस्टम क्या कहलाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाएगा दूसरा आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे ग्रास ही ग्रास हो मतलब घास ही घास हो, ना और इसमें कुछ छोटे आपके पौधे भी आ सकते हैं जो छोटे छोटे होते हैं मीन्स हर्बल uh, टाइप के जो औषधि वाले छोटे छोटे तो ये भी उसी के अंदर ही आएगा तो उनका जो इको होता है उसको क्या बोलते हैं ग्रास लैंड नेक्स्ट आता है टुंड्रा इको सिस्टम इकोसिस्टम इको मतलब कि जहाँ पे ना तो ट्री हो ठीक है और न वहाँ पे बारिश होती हो मतलब नाम मात्र की होती हो है ना तो ऐसी जगह पे जो इकोसिस्टम होता है तो उसको हम बोलते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम ठीक है यहाँ पे माहौल बहुत ठंडा होता है मीन्स जो क्लाइमेट होता है वहाँ का वो बहुत ठंडा होता है और लगभग साल भर जहाँ पे मतलब बर्फ ही बर्फ पाई जाती हो तो ऐसे हीो को या ऐसी जगह के इको को हम क्या बोलते हैं टंडरा इकोसि इको सिस्टम नेक्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम डेजर्ट इको लगभग कई जगह पाया जाता है अर्थ में जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट मतलब रेत ही रेत हो है ना और बारिश बहुत कम होती हो तो ऐसी जगह को हम डेजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं या ऐसी जगह के इकोसिस्टम को डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं नेक्स्ट आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली हमको यहाँ पे जो जल में पाए जाते हैं है ना जो पानी में मौजूद जो पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनकी बात कर रहा है तो वो क्या कहलाते हैं हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं ये दो टाइप के होते हैं पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दूसरा मरीन इकोसिस्टम तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका क्या क्या आता है जैसे लेक्स हो गया पॉन्ड्स हो गए रिवर हो गए है ना स्ट्रीम हो गए वेट लैंड हो गए ये सब कुछ आपके जहाँ पे मतलब सॉल्ट सॉल्ट नहीं होता जो पीने योग्य पानी होता है बेसिकली तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो क्या कहलाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम में आपके सीज हो गए और ओशियन हो गए ये दोनों आपके आते हैं किसमें मरीन इको में या वहाँ का जो इको है वो क्या कहलाएगा मरीन इको कहलाएगा है ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन बेसिकली बस इको के टाइप देख लिए हैं और इनका छोटा छोटा मैंने डेफिनेशन समझा दिया है ठीक है नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इको तो स्ट्रक्चर ऑफ इको ऐसा है कि जो इको है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है पहला एबायोटिक कंपोनेंट दूसरा बायोटिक कंपोनेंट ये दोनों आपस में मिल इकोसिस्टम को चलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कम्पोनेंट तो ए बायोटिक कम्पोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें जैसे रेन हो गई लाइट हो गई विंड हो गई टेम्परेचर हो गया ठीक है ये क्लाइमेट फैक्टर हो गया फिर एडिफिक फैक्टर मतलब कि आपके उससे रिलेटेड सॉइल से रिलेटेड, रिलेटेड ठीक है सॉइल हो गया मिनरल हो गया ऑक्सीजन हो गया टोपोग्राफी हो गया ये सब कुछ हमारा एडिफिक फैक्टर कहलाता है नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में तीन होते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्रोड्यूस करते हैं खाना किसके लिए कंज्यूमर के लिए और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है फिर उसके बाद वो जब मरता है तो डिकम्पोज होता है तो ये एक प्रोसेस है इसको समझेंगे आगे अपन पूरा डिटेल में ओके तो देखते हैं आगे पहला ए बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम इंक्लूड्स बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो बेसिक आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं ठीक है जैसे कि सॉइल हो गई वाटर हो गया ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट और कई सारे आपके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं आपके आ, एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं ओके नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट क्या है जो पर्यावरण प्रणाली प्रणाली में मौजूद सभी जीवित जीव शामिल हैं इसमें ठीक है तो पर्यावरण में जो भी जीवित जीव हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं ए बायोटिक ये जीवित नहीं है है ना ये आपका सॉइल फॉर्मेट में मतलब कि जो कंपाउंड uh, होते हैं बेसिकली तो या एलिमेंट ये सब आपके क्या कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट है ना सॉइल वाटर ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट ये सब कुछ आपका क्या कहलाएगा ठीक है और भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपने पढ़ रखे होंगे केमिस्ट्री में तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं एबायोटिक कंपाउंड कहलाते हैं ठीक है ठेके? बायोटिक मतलब जो जीवित जीव है अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला ऑटोट्रॉप्स दूसरा हेट्रोट्रॉप्स तो ऑटोट्रॉप से मतलब है कि सारे ग्रीन प्लांट सारे ग्रीन प्लांट जो कि सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं ठीक है जैसे कि फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा टेंथ क्लास में जो पेड़ पौधे हैं तो फोटोसिंथेसिस की मदद से फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं अपना खाना बनाते हैं है ना तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है मतलब जो 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 पेड़ पौधे मतलब या जो भी चीज़ जो भी जीव सूर्य की किरणों से अपना खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ठीक है और जितने भी गैर हरे पौधे जो हरे नहीं हैं और सारे एनिमल ये क्या कहलाते हैं? हैंट्रोट्रॉप्स ठीक है तो ऑटोट्रॉप्स को बेसिकली प्रोड्यूसर भी कहा जाता है ये सूर्य की किरणों से अपना खाना बनाते हैं तो इनको क्या कहते हैं ऑटोट्रॉप्स ठीक है तो बायोटिक कंपोनेंट आपके जो हैं तो तीन पार्ट में डिवाइड हैं तो देखिए पहला यहाँ पे हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ये दो हैं तो ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं प्रोड्यूसर को हेट्रोट्रॉफिक में क्या आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर आ जाएंगे फिर तीसरा है डीकम्पोजर ठीक है मतलब बेसिकली ये एक चैन है कि जैसे घास मान लीजिए आपकी होगी है ना तो उसने सुर से जो भी किरणों को एब्जॉर्ब किया तो उससे अपना खाना बनाया फिर उस खाने को गाय आई या बकरी आई जो भी आई वो खाया ठीक है या कोई भी छोटा जीव आया वो खाया फिर उसके बाद उस जीव को दूसरे जीव ने खाया ठीक है तो ऐसा करके उसको वो कंज्यूम हुआ फिर उसके बाद जब वो मरे तो डिकम्पोज हुए डीकम्पोज हुए तो वेरियस फॉर्म में मीन्स तो कई सारे ऑर्गेनिक कम्पाउंड उनसे निकले फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर वापस वो मिट्टी में मिले मिट्टी से में मिले तो फिर पेड़ पौधे बने सूर्य की किरण लेके और पानी वगैरह लेके तो ये एक चक्र जो है कंटिन्यू चलता रहा है ना तो वही चीज़ है तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या है प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल ऑटोट्रॉफ सच एज प्लांट सारे ऑटोट्रॉप जैसे कि प्लांट ये सब हमारे प्रोड्यूसर में शामिल हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप एज दे कैन प्रोड्यूस फूड प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस है इनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं जैसे कि यह अपना भोजन फोटो सिंथेसिस की सहायता से बनाते हैं कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिजम हायर अप ऑन द फूड चैन रिलाई ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड तो जो खाद्य श्रृंखला है उस पर उच्चतर अन्य सभी जीव भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं ठीक है तो सभी जीव भोजन के लिए किसमें निर्भर करेंगे उत्पादकों पर निर्भर करेंगे नेक्स्ट है कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रोप्स तो हेट्रोट्रोप्स क्या थे आपके कंज्यूमर्स थे जैसे कि मैंने बताया तो हेट्रोट्रोप्स वे जीव हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ताओं को प्राथमिक उपभोक्ताओं माध्यमिक उपभोक्ताओं और तृतीयक उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया गया किया जाता है ठीक है जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं तो उनको कंज्यूमर बोलते हैं और इनको मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया गया है पहला प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं आपके हार्बिवोर्स होते हैं ठीक है जो सिर्फ प्रोड्यूसर पर मतलब अपने भोजन के लिए सिर्फ प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं ठीक है जैसे कि गाय है बकरी है ये सब सिर्फ घास खाते हैं है ना तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं तो भोजन के लिए सिर्फ उत्पादकों पर भरोसा करते हैं ठीक है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं तो वो हमारे कार्निवोर्स होते हैं है ना मांसाहारी होते हैं या ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं सर्वाहारी भी हो सकते हैं तो नेक्स्ट आता है टर्सरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं है ना इनको हम सर्वभक्षी भी बोल सकते हैं या सर्वाहारी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट आता है क्वार्टरनरी कंज्यूमर क्वार्टरनरी वैसे ये किसी किसी आपके फूड चैन में अवेलेबल होते हैं जो कि टर्सरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं ठीक है अपने भोजन के लिए टर्सरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं दे आर यूजली एट द टॉप ऑफ द फूड चैन एज हैव नो प्रीडेटर्स ये फूड चैन के सबसे टॉप लेवल पे होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी मतलब इनके भोजन के लिए कोई भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता है ये आपके टर्सरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं ओके okay? तो नेक्स्ट आता है लास्ट में डिकम्पोज़र्स डी कम्पोज़र्स क्या होते हैं ये आपके कवक और बैक्टीरिया जैसे सेप्रोफाइट इनमें शामिल हैं ठीक है थेके? तो दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर तो जब ये डेड होते हैं तो इनसे आपके ऑर्गेनिक मैटर वगैरह ये सब पनपते हैं ठीक है डिकम्पोजर्स आर इसेंशियल फॉर द इको सिस्टम एज दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिय टू बी रीयूज बाई प्लांट्स तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं तो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं इनकी सहायता से या इनको दोबारा मीन्स प्लांट जैसे अगर मान लीजिए कोई उगा तो उसके लिए ये डिकम्पोजर्स बहुत ही मीन्स आवश्यक पोषक तत्व तो उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो बहुत अच्छे से खिल जाता है या उग जाता है है ना तो डिकम्पोजर बहुत ही आपका मेन रोल निभाता है यहाँ पे इकोसिस्टम को रन करने के लिए नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है तो इसमें कई पॉइंट्स हैं तो सबसे पहला पॉइंट है इट रेगुलेट्स द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी तो यह आवश्यक पारिस्थितिकी पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है ठीक है जितने भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको क्या करता है रेगुलेट करता है और लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और स्टेबिलिटी स्थिरता प्रदान करता है इकोसिस्टम में ठीक है इकोसिस्टम uh, में स्थिरता नहीं इकोसिस्टम में मीन्स uh, जो आपका फूड चैन प्रोसेस है उसमें स्थिरता कौन प्रदान करता है इको ठीक है नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिय बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक तो बायोटिक कंपोनेंट हमारे हुए सारे जीव और एबायोटिक कंपोनेंट हुए सॉइल और ये सब जो भी था तो इन सब के बीच में ये एक साइकल uh, प्रोवाइड करता है है ना तो इकोसिस्टम यही इसका काम ही है ठीक है नेक्स्ट है इट मेंटेन ए बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम तो जैसे प्रोड्यूसर हुए फिर आपके कंज्यूमर हुए फिर डिकम्पोजर हुए फिर वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीन uh, डिग्रेड uh, हुए हैं तो ये एक जो रोटेशन है तो इसमें जैसे प्रोड्यूसर के बाद आया आपका कंज्यूमर तो मींस आपका लेवल चेंज हो रहा है तो यही जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल है तो इसी लेवल की बात कर रहा है कि ये हर लेवल में एक बैलेंस बना के रखता है इको ठीक है नेक्स्ट है साइकल्स द मिनरल थ्रू द बायोस्फीयर तो ये मिनरल को भी साइकिल करता है बायोस्फीयर के थ्रू ठीक है नेक्स्ट है द एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं ठीक है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान शामिल होता है तो जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण में या उनके सिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है ठीक है तो जो मेन आपके प्रिंसिपल स्टेप हैं इकोसिस्टम के तो वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले सूर्य से आप एनर्जी को एब्जॉर्ब किए मीन्स जो पेड़ पौधे हैं सूर्य से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए फिर मैन्युफैक्चर द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक वंस बाय प्रोड्यूसर तो जो इनऑर्गेनिक था मीन्स आपका जो सूर्य की किरण थी वहाँ से आपका ऑर्गेनिक मटेरियल बना उसने अपना भोजन बनाया ठीक है फिर कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूसर बाई कंज्यूमर्स तो कंज्यूमर ने क्या किया प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया और फिर जो आगे जो आगे भी उसके आगे जो मन, मतलब की, उससे जो बड़ा कंज्यूमर है वो छोटे वाले कंज्यूमर को कंज्यूम किया ठीक है तो ये एक चैन प्रोसेस चलती गई सबसे पहले सूर्य की किरण से अपना भोजन बनाया फिर यहाँ पे आपका इन ऑर्गेनिक से आपका ऑर्गेनिक मटेरियल बना है ना प्रोड्यूसर ने बनाया फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने कंज्यूम किया फिर छोटा कंज्यूमर बड़े कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया गया तो ये चलता गया फिर जब लास्ट में जब कंज्यूमर की डेथ हुई उसके बाद आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रेड हुए ठीक है एंड फाइनली आपका क्या हुआ कन्वर्टेड बाई डिकम्पोजर एंड कन्वर्ट इन टू सच फॉर्म एज सुटेबल फॉर रीयूटिलाईजेशन बाई प्रोड्यूसर्स तो जितने भी आपके कंपाउंड जो डिग्रेड हुए तो वो डिकम्पोज हुए ठीक है और कन्वर्ट हुए ऐसे फॉर्म में जो कि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर के द्वारा यूटिलाइज़ किए जा सके ठीक है ऐसे फॉर्म में ये कन्वर्ट हुए तो ये सब कुछ एक डायग्राम के थ्रू हम अगले पेज में देखेंगे तो ये पूरा एक एनर्जी फ्लो है ठीक है जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रीन प्लांट है ठीक है सन से आपका एनर्जी लिए ठीक है यहाँ पे ये सन से लिए एनर्जी फिर उसके बाद ये प्रोड्यूसर थे जो ग्रीन प्लांट उनको हरबीवोर्स ने लिख खाया ठीक है हरब्यवर्स मतलब कौन है जो शाकाहारी है फिर शाकाहारी को मान लीजिए ये कार्निवर्स ने खाया ठीक कार्निवर्स खाए फिर उसके बाद ये आपके कार्निवर्स मतलब हैट्रोट्रोप्स ठीक है मतलब कंज्यूमर कंज्यूमर ने इसको कंज्यूम किया कंज्यूम किया फिर उसके बाद जब वो डेड हुआ तो सेप्रोफोप्स मतलब जो आपके डिकम्पोजर्स थे तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ फिर सेप्रोफो आपका डिकम्पोज हुआ डिकम्पोज हुआ फिर ट्रांसफॉर्म हुआ ये ठीक है अब ये न्यूट्रेंट में कन्वर्ट हुआ फिर वापस से ग्रीन प्लांट आया तो अब हरबी वोर्स देखिए जैसे ग्रीन प्लांट बना तो उसको पैरासाइट्स भी खा सकते हैं फिर स्क्वेंजर भी खा सकते हैं स्क्रेंजर भी सब उसी उसी कैटेगरी में आते हैं आपके डिकम्पोजर वाले कैटेगरी में जो मरे हुए होते हैं ठीक है छोटे छोटे जीव होते हैं जो तो ग्रीन प्लांट को डायरेक्ट ये भी खा सकते हैं ये बड़े जीव भी खा सकते हैं लेकिन ये सब लास्ट में क्या होंगे डिकम्पोज होंगे डिकम्पोज होके फिर ट्रांसफॉर्म होके ये आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें ट्रांसफॉर्म होंगे फिर वो फर्दर डिग्रेड होके ग्रीन प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ठीक है तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एबायोटिक कंपोनेंट है ये वाला आपका एबायोटिक कंपोनेंट है और ये पूरा आपका बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा ठीक है ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिकम्पोजर ये सब आपके डिकम्पोजर uh, मतलब यहाँ पे जो भी है uh, घटक तो वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा और यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा ठीक है तो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ठीक है द टू इकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब एनर्जी फ्लो और मिनरल का साइक्लिंग मतलब मिनरल मतलब कि ए बायोटिक कम्पोनेंट ठीक है तो बायोटिक और ए बायोटिक कम्पोनेंट ये आपके इको सिस्टम के हर्ट है ठीक है और द प्रिंसिपल स्टेप्स जो भी ये ग्राफ है तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे पिक्चर है ना तो ये था आपका ऑल अबाउट इको सिस्टम ओके okay. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू